हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो चलिए आज कुछ मीठा हो जाए। आपको तो पता ही है आजकल सावन चल रहा है और सावन में खीर का अपना ही अलग ही महत्व है। कहते हैं सावन में खीर जरूर बनानी चाहिए, तो चलिए आज हम खीर बनाने का इंतजाम करते हैं। तो ये हमने दूध लिया है 1.5 किलो फुल क्रीम। ये 1.5 मुट्ठी चावल, ये बासमती का टुकड़ा है। खीर के लिए आप दूसरा मोटा टुकड़ा भी ले सकते हैं या साबुत भी ले सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। कोई सा भी चावल ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि बासमती ही हो, बस तरीका ऐसा होना चाहिए कि वो टेस्टी लगता है। तो सबसे पहले हम इस चावलों को थोड़ी देर यानी 2 से 3 मिनट ओनली अच्छे से धो के भिगो देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, हमारे चावल भीग चुके हैं। मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया है, निचोड़ लिए हैं। याद रखिएगा, 1.5 किलो दूध में सिर्फ 1.5 मुट्ठी, बहुत छोटी वाली मुट्ठी जो ऐसे करके लेके आते हैं, ऐसे चावल ही डालिएगा, ज़्यादा चावल अच्छे नहीं लगते हैं। इस बीच में मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रफली काट लिए हैं। ये देखिए, पिस्ता, बादाम, काजू, किशमिश भी डालेंगे हम। अब हमने इसको रफली काट लिया, हम इसको रोस्ट करना है, इसको और चावलों को। तो इस बीच में मैंने फ्राई पैन भी रख लिया है। इसके अंदर नाम को बहुत ही 2 से 4 बूंद देसी घी की डालेंगे। उसके अंदर हम पहले इन चावलों को रोस्ट करेंगे हल्के हल्के से, क्योंकि हमें इसे रफली ग्राइंड करना है, ज़्यादा मतलब पतला नहीं करना, बस दरदरा, इतना देसी घी बहुत है। इसके गर्म होने पर हम ये चावल डाल देंगे। दो से 2.5 मिनट ओनली इसको रोस्ट करना है। ध्यान रखिए दोस्तों, गैस को कम करना है। हल्के हल्के से जब ये ब्राउन होने लगे तब इसको ग्राइंडर में डाल देना है पीसने के लिए। ये देखिए दोस्तों, हमें बस इतना ही रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना है। याद रखिएगा, सिर्फ 1.5 से 2 मिनट, अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जब इसमें सारा पानी अब्जोर्ब हो जाए। अब ज़्यादा काले नहीं करने हैं, ओनली हल्के हल्के से रोस्ट करने हैं। अब इसको हम ग्राइंडर में डालेंगे। अब इसी फ्राई पैन में हमें थोड़ा सा देसी घी डालकर जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट हैं उसको रोस्ट करना है। एक से 1.5 मिनट, ज़्यादा नहीं। इसमें से आधे तो हम चावलों के साथ इसमें ग्राइंड कर लेंगे और आधे इसमें से ऊपर गार्निश के लिए छोड़ेंगे, जिससे कि जब हम किसी को सर्व करें तो उसके ऊपर ये डाल दें। ये देखिए दोस्तों, अब हमारे को सिर्फ इतना ही रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना। गैस को कम कर देंगे, ये उतारेंगे फ्राई पैन, इसके अंदर ऊपर रख देंगे हम अपना दूध। ये देखिए, गैस के ऊपर मैंने दूध का भिगोना रख दिया है। अब जब तक ये इसमें उबाल आता है, गर्म होता है, इस बीच में हम अपने चावल और थोड़े से ड्राई फ्रूट को ग्राइंड कर लेते हैं दरदरा। बहुत है इतने। अब इसको दरदरा हमें पीसना है। जब तक हम इसको पीसते हैं, इस बीच में हम दूध में थोड़ा सा केसर मिला देते हैं। 3 से 4 कलियां हैं, ये छोटी छोटी हैं, इसलिए मैंने इतनी ली है, ज़्यादा मत लीजिएगा क्योंकि बहुत गर्म होती है। इसमें हम दूध में मिला देते हैं क्योंकि ये पकते पकते अपना थोड़ा सा रंग छोड़ेगा। चलिए अब हम उसे ग्राइंड करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें 3 से 4 कलियां केसर की डाली थी, देख लीजिए वो अपना रंग छोड़ना शुरू कर रही है। तो जब तक ये बनेगी, अच्छे से होएगी, तो इसमें अपना कलर पूरा छूट जाएगा। इस बीच में मैंने अपने चावल और थोड़े से ड्राई फ्रूट ग्राइंड कर लिए हैं दरदरे। ये देखिए, जैसे दलिया हो जाता है ना, ऐसे ही हो जाते हैं ये। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ इलायची दाना। ये दी इलायची के दाने को निकाल के हमने पीस लिया था, इसमें डाल दिया क्योंकि हम ये साथ इकट्ठा ही सब कुछ डालेंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने थोड़ी सी चिलौंजी भी ली है। ये देखिए, खीर में डलती है और ये गुंजिया में भी डलती हैं और ये आपके हलवे में भी डलती हैं और बहुत सी चीज़ों में डलती हैं, कुल्फी में भी डलती हैं। तो हम थोड़ी सी ये डाल देंगे इसी में, क्योंकि हम ये सारा सामान इकट्ठा जब दूध बॉयल हो जाएगा तब डालेंगे। आपकी खीर बड़ी टेस्टी बनेगी, आज तक आपने ऐसी खाई नहीं होगी, तो प्लीज़ एक बार ऐसी इस मेथड से बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनेगी।
दूध में जैसे ही बॉयल होएगा हम उसके अंदर ये डाल देंगे और गैस को कम करके धीरे धीरे पकाएंगे, चलाते रहेंगे, वरना ये नीचे लग जाएगी, वो टेस्ट नहीं आता है फिर उसका। ये देखिए दोस्तों, दूध में उबाल आ चुका है। अब हम अपना सारा मटेरियल इसके अंदर डाल देंगे और धीरे धीरे चलाना है इसको। ध्यान रखिएगा, गलती से बहुत बार कई बार चावल ज़्यादा भीग जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तब आपको लगेगा दूध की मात्रा इसमें कम है, तो आप अलग से दूध को बॉईल करके इसमें ऐड करके फिर से उसे गाढ़ा कर सकते हैं। फिलहाल हमने अपने सारे चावल, ड्राई फ्रूट जितने भी हमने ग्राइंड करे थे इसके अंदर डाल दिए हैं। अब धीरे धीरे इसको पकाएंगे कम से कम आधा घंटा या 40 मिनट, ठीक है, बहुत ही धीमी आँच में। ये देखिए दोस्तों, खीर पकते पकते कम से कम 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। इस बीच में हम डाल देंगे थोड़ी सी किशमिश और कंटिन्यू इसको चलाएंगे। अभी कम से कम इसमें 10 से 12 मिनट और पकने हैं। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे अपनी स्वाद अनुसार चीनी। मैंने डाली है 3 से 4 चम्मच चीनी। इसे चलाते रहें कंटिन्यू 5 से 7 मिनट अभी और चलेगी। इस मेथड से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगी, बहुत रबड़ी जैसी लग रही है बिल्कुल। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी जो खीर पकने रखी थी वो बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़े से जो हमने ड्राई फ्रूट बचा के रखे थे। मिक्स करेंगे, इतनी लजीज, इतनी टेस्टी, रबड़ी भी फेल है इसके आगे। इस मेथड से बनाना किसी दिन, देखिए। अब गर्मा गर्म सर्व करेंगे, तो चलिए सर्व करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी खीर बनके तैयार है, सर्व भी कर दी है हमने। अब देखने में इतनी स्वाद है तो खाने में कितनी होगी, तो आप प्लीज़ इसी तरीके से एक बार बना के देखिए और बताइए कमेंट्स बॉक्स में कि आपको मेरी बनाई हुई खीर कैसी लगी, अच्छी लगी हो या बुरी, जैसी भी लगी हो प्लीज़ बताना ज़रूर, ठीक है। ओके, धन्यवाद।